गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरपीएस पब्लिक स्कूल। वी आर इन द पीरियड ऑफ क्लास 6 मैथ्स। हम लोग अभी क्लास 6 के मैथ पीरियड में है। वीडियोस पे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का रिवीजन किया था। आई थिंक आप लोग उसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम स्टडी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और आज फिर हम लोग देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन और प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम को तो रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आज एक्सरसाइज 9C से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का हम लोग रिविजन करेंगे। एक्सरसाइज 9C लीनियर इक्वेशन का कुछ रिविजन करेंगे। हमने 1 से लेकर 12 तक पिछले वीडियोस में आपको रिविजन करा दिया था, आई थिंक आप लोग उसको देखे होंगे। आज हम लोग आगे रिविजन करते हैं और 12 के आगे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक, ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर स्टडी, क्लियर। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। चलिए, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसमें सपोज कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल 1 में हम कुछ देख सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमें दे दिया कि क्वेश्चन कोई हमारा दे दिया इसमें कि द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, द सम ऑफ नंबर, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारा दे रहा क्वेश्चन में द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कंसेक्यूटिव इवन नंबर मींस हमारा दो लगातार सम संख्या, दो लगातार इवन नंबर, उसका सम हमारा 74 दे रहा है, वो डिजिट कौन सा है, ठीक है। हमने आपको प्रिंसिपल्स बनाया था, बताया था कि अगर हमारा केवल कंसेक्यूटिव नंबर देता है तो हम उसको एक्स और एक्स प्लस वन मान करके चलते हैं, और यदि इवन और ऑड कंसेक्यूटिव नंबर देता है तो दोनों में हम एक एक्स मानेंगे, दूसरा एक्स प्लस टू, आगे अगर तीसरा कहेगा तो एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, यानी दो दो पाई ट्रबल होते चला जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए हमको मान रहे हैं कि एक्स फर्स्ट इवन नंबर, बी मान लीजिए अगर हम एक्स है तो सेकेंड या ऑर्डर जो भी लिखिए, ठीक है, सेकेंड इवन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस टू हो जाएगा। यानी ऑड इवन दोनों में हम एक्स प्लस टू ही मानेंगे। ध्यान रखना है, अगर इवन देता है तो भी एक्स और एक्स प्लस टू, ऑड देता है तो भी एक्स और एक्स प्लस टू मानेंगे, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दोनों का सम प्लस एक्स प्लस टू, दोनों का सम हमारा कितना कह रहा है, 74 कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर। दोनों का सम हमारा 74 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स और एक्स कितना हो गया बच्चों हमारा 2x प्लस टू इक्वल टू 74, 2x इक्वल टू 74, 2 इधर प्लस में, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, यानी 2x इक्वल टू माइनस कर देंगे 72, x इक्वल टू 72, 2 और x के बीच मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो कितना हो गया 46, यानी x इक्वल टू कितना 46 हो गया। अब ये 46 हमारा एक्स प्लस हमारे तो फर्स्ट इवेंट नंबर है, दे आर बोथ फर्स्ट इवेंट नंबर इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारा 36, और सेकेंड इवेंट नंबर इक्वल टू एक्स
प्लस टू यानी 36 प्लस टू दैट मीन्स कितना हो गया बच्चों 38, यानी एक फर्स्ट यूनिट नंबर हमारा कितना 36 है, सेकेंड यूनिट नंबर हमारा कितना हो गया बच्चों 38 हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको राइट आउट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। इसको राइट आउट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, चलिए इसको राइट आउट कर लीजिए बच्चों जल्दी से जल्दी आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि ऐसे कोई क्वेश्चन हमारा फिर दे सकता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा दे सकता है, इसलिए सपोज एग्जाम्पल टू में देख सकते हैं। मान रहे हैं कोई भी क्वेश्चन हमें दे दिया कि दीपक इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज ब्रदर। दीपक इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास। Between their ages कंपेयर किससे कर रहा है, विकास के एज से कर रहा है। तो विकास के एज से कंपेयर कर रहा है, तो विकास के एज को एक्स मान लेंगे। ठीक है ना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ विकास भी मान लेते हैं एक्स ईयर। सपोज टू प्रेजेंट एज एज ऑफ दीपक कितना हो जाएगा, जितना भी विकास है उसका ट्वाइस दोगुना हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा ये। ठीक, अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों की एज का डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन दियर एज भी 11 ईयर्स है। दोनों की एज का डिफरेंस कितना है बच्चों दिया हुआ 11 ईयर्स। दैट मीन्स 2x माइनस x इक्वल टू 11 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे, 2x से x माइनस करेंगे, x इक्वल टू 11 हो गया हमारा, यानी x का वैल्यू हमारा आ गया। अब x हम क्या माने थे, प्रेजेंट एज ऑफ विकास माने थे। देयरफॉर एज ऑफ विकास इक्वल टू हमने एक्स माना था इक्वल टू 11 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ दीपक हमने क्या माना था, 2x हमारा आया था।
दैट मीन्स 2 इंटू ए रेवेल कितना हो गया बच्चों हमारा 22 yes. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, यानी विकास हमारा 11 ईयर्स का है और उसका भाई दीपक जो ट्वाइस उसका दोगुना है वो कितना क्या बच्चों 22 ईयर्स का है। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, इसको राइट वर्क कर लीजिए जल्दी आपको। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम देख सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल 3 देख सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम हमारा आ सकता है इसमें, तो देख सकते हैं कुछ और बहुत प्रॉब्लम। ठीक है, जल्दी जल्दी राइट ऑफ करते चलिए। ठीक है, और देख रहे थे और प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं इसमें। ठीक है ना, जैसे कोई क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल 3 में जैसे देख लिया हमारा क्वेश्चन, सपोज एग्जाम्पल 3 में कोई क्वेश्चन जैसे हमारा दे दिया इसमें कि मिसेस गोयल इज 27 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर। मिसेस गोयल, मिसेस गोयल इज 27 ईयर्स older than her daughter Rekha, her daughter Rekha, her daughter Rekha after 8 years, after 8 years she will be twice as old as Rekha. They gotta find their दोनों का प्रेजेंटेशन भी निकालना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारा पहला है कि मिसेस गोयल 27 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर है, अब मिसेस गोयल जो है अपने डॉटर से 27 ईयर्स बड़ा है। ठीक है, 27 ईयर बड़ी है और 8 साल के बाद आफ्टर 8 ईयर दैट मीन्स 8 साल के बाद वो अपने डॉटर्स की एज का दोगुना हो जाएगी, ट्वाइस दोगुना हो जाएगी, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हम जब भी मान के चलेंगे तो प्रेजेंट एज ही मान करके चलते हैं इसमें, ध्यान रखना है बच्चों क्या मानेंगे प्रेजेंट एज। लेकिन हम समझा लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेखा, रेखा का प्रेजेंट एज हम एक्स ईयर्स मान रहे हैं, तो इनके मिसेस गोयल से कितना हो जाएगा देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ मिसेस गोयल। इनका अगर मिसेस गोयल 27 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर, यानी 27 ईयर ज्यादा है, दैट मीन्स एज प्लस 27 ईयर्स हो गया। अब आगे क्या करता है, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स रेखा एज, 8 ईयर्स के बाद रेखा का एज कितनी होगी, अभी जितना है एक ईयर इसमें हम 8 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, और सेम इसी तरह से आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स मिसेस गोयल्स एज, मिसेस गोयल्स
कितना हो जाएगा, तो मिसेस गोयल का एज अभी कितना है, प्रेजेंट एज 8+27 है और इसमें हम 8+ कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा 8+ एड कर देंगे तो 35 ईयर्स, क्लियर। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्टर बना रहे हैं, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू पोस्टर हमारा कह रहा है कि 8 ईयर्स के बाद आफ्टर 8 ईयर्स मिस इज गोयल विल बी ट्वाइस ओल्ड एज डॉटर, यानी मिस इज गोयल जो है, मिस इज गोयल एज कितना है 8+35 आया है 8 ईयर्स के बाद, ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके ये बराबर हो जाएगा उसकी डॉटर का, ये ट्वाइस हो जा रहा है, ये ट्वाइस हो गया, यानी इसमें अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें दोनों में ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं और 8+35=2, इसको सॉल्व कर रहे हैं कितना हो गया हमारे बच्चों 2x+8=16, एक्स को उधर ले आया है 16 को इधर ला रहे हैं हम, 35 ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस हो गया हमारा, ये 2x है ये प्लस में इधर लेंगे तो माइनस में हो गया, 2x में से x गया कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा हमारा और इसमें से माइनस कर देंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, आई थिंक 90 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये x दिया तो x इक्वल टू कितना हो गया 90। अब हम x क्या मान रहे हैं, तो रेखा का प्रोजेक्टेड मान लिया निकल गया, देयरफॉर रेखा प्रोजेक्टेड एज कितना हो गया हमारे, x माना था तो ये 19 ईयर्स हो गया, और मिसेज गोयल का प्रोजेक्टेड कितना हो गया, मिसेज वॉयर्स प्रेजेंट इज, तो मिसेज गोयल का प्रेजेंट इज कितना है बच्चों, यहां x+27 है हमारा, x+27 दैट मीन्स 90+27 इसको एड कर देंगे, ठीक है ना। सेंड कर देंगे, ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।